नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब के श्री टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास मैल और इस समय मौजूद है करनाल में, जहां पर लगातार पेट्रोल डीजल के जो प्राइस हैं वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लगातार जो दिन प्रतिदिन रोज सुबह वो व्यक्ति उठता है तो उसे पेट्रोल डीजल के जो रेट है वो बढ़े हुए मिलते हैं। कहीं ना कहीं कई प्रदेशों में तो 100 पार पहुँच चुका पेट्रोल का जो रेट है वो 100 के पार पहुँच चुका। अगर करनाल में अगर आज की बात की जाए तो 96.65 जो प्रति लीटर का जो पेट्रोल का दाम है वो पहुंच चुका है, और वहीं डीजल के दाम भी रोजाना वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। आम लोगों पर भी काफ़ी इसका असर जरूर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग हमारे साथ, उनसे जानते हैं सर क्या कहेंगे कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, यहाँ पे पेट्रोल से बाइक चलती है, कितना दाम बढ़ रहा है, क्या जेब पे असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है सर। यहाँ पर हमारा 70 रुपये का तेल लग रहा था, वहाँ पर 120 रुपये का तेल यूज हो रहा है, बहुत महंगाई हो गई है तेल में। तो महंगाई के साथ साथ पेट्रोल ज़्यादा बढ़ रहा है? हाँ जी, पेट्रोल का सबसे ज़्यादा खर्चा है, क्योंकि बाइक के बगैर कोई काम ही नहीं है। सुबह उठते बढ़ावा मिलता है? सुबह उठते हर रोज़ एक दो रुपये बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आम लोग काफ़ी परेशान जरूर नज़र आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से सुबह उठते हैं तो उन्हें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए नज़र आते हैं। कई प्रदेशों में जो 100 के पार पेट्रोल पहुँच चुका, अगर डीजल की बात की जाए तो 89 रुपीज़ पर लीटर का जो लगभग आज का करनाल का रेट है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो पेट्रोल डीजल के रेट है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो किसान भी काफ़ी परेशान नज़र जरूर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो लाइट है उन्हें 8 घंटे दी जा रही है, जिसके बाद उन्हें जनरेटर से अपना पानी है वो पूरा करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्हें डीजल की खपत ज़रूर होती हुई नज़र आ रही है। वहीं सीजन के टाइम में भी उन्हें डीजल के रेट इतने ही देने पड़ रहे हैं। वहीं किसान यूनियन की तरफ से भी लगातार बातें उठाई जा रही है कि उन्हें जो डीजल है कम रेट में दिया जाए। वहीं अगर आम लोगों की बात की जाए वो भी काफ़ी परेशान नज़र जरूर है, क्योंकि लगातार पेट्रोल के रेट है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और उससे आम जन पर काफ़ी असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखने वाली बात होगी क्या सरकार इसमें कुछ दखल अंदाजी करती है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो सरकार का पेट्रोल डीजल के रेटों पर कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन जो आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसमें पिसता हुआ नज़र आ रहा है। करनाल से विकास महला, पंजाब केसरी टीवी, करनाल।